पेयर्स वी आर टुगेदर। और लॉकअप में तो हमेशा पीछे पीछे से सबको पता ही था, कानों कानों में सबको पता था दैट देयर इज समबडी स्पेशल, बट हु इज ही, वो बाद में आके यू नो मैंने सबको बताया। बट बहुत सारी यादें यार, स्पेशल मोमेंट्स है, सारी तो नहीं शेयर करूँगी, लेकिन यस वी हैव सम पर्सनल वेरी वेरी स्पेशल मोमेंट्स। And ma'am, what do you want to say? आप क्या कहना चाहोगे सारा जी के बारे में? I'm so happy to meet Shantanu because Shantanu, you were the hidden thing in lockup, and now I'm seeing you in person, and I'm very happy to see her smile and be happy. She's a very very good girl, and we bond that much, but there was some bond. You didn't let that happen. I used to always come and ask her, do you trust me? No, I don't trust anybody. But you know my name. Yes. But when I do bond, yeah. I do bond. And that's what I said, that I have earned some special relations, and I'm so glad that I have that, and I'm going to always respect and appreciate that. Thank you so much for making my birthday special. And Sarah, you know, things have changed in terms of fireworks, so she has got married. I know. So I was the happiest person. No, I didn't get the invite, guys. But I was... मैम पायल जी ने खुशखबरी दे दी है शादी की, हम काफी टाइम से वेट कर रहे थे, अब हमारा वेट आपके तरफ है, कुछ कहना चाहोगे? हम हमारा वेट कब खत्म होगा? नेक्स्ट ईयर में भी इंशाल्लाह आपकी दुआएं रहेंगी। तो चादर, क्या स्पेशल किया आज आपने सारा के लिए? आज नहीं, मैंने तो कल रात को बहुत ज्यादा स्पेशल किया था उसको, मैं रात को मिला, थोड़े गिफ्ट्स दिए और बहुत सारे सरप्राइजेस बाकी है, तो लॉट ऑफ थिंग्स आर गोना कम। और ये अभी बिजी इतनी थी तो मेरा चल आज भी वो रेडी नहीं थी, मैंने बोला नहीं आज निकलना ही है, बाहर निकलना है, तो पहले से मैंने प्लानिंग करके रखा था। थैंक यू गाइस फॉर कमिंग और मेकिंग माय बर्थडे सो स्पेशल, और आज बहुत मजा आने वाला है, लॉट ऑफ पीपल गोना कम, सो होप इट्स गोना बी। व्हाट अबाउट योर यू नो मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था, पर जैसे सारा मिल गई तो सोचा चलो अभी बोल ही रही है गाना करते हैं, तो मैंने कर लिया, फिर एक अच्छा ऑफर आया था मोहित जी का, तो ये बोली कर लो कर लो कर लो, तो बहुत अच्छा गाना बना, तो बहुत प्यार मिल रहा है। एंड लेट्स सी, अभी आज तो हम स्पेशली कॉन्सेंट्रेट करें इसके बर्थडे के लिए, तो आज का नाइट बहुत स्पेशल होने वाला है। पारुल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो बर्थडे सेलिब्रेशन आज रखा है ये पारुल की वजह से रखा है, क्योंकि मैं बचपन से सेलिब्रेशन करती आ रही हूँ, पार्टीज करती आ रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी बस हो गया पार्टीज, बट देन शी सेड नहीं सारा, दिस इज इम्पोर्टेंट, यू नीड टू सोशलाइज अ लिटिल बिट, यू नीड टू यू नो पार्टी एज वेल, सो डू इट। तो मैंने कहा चलिए ठीक है करते, तो ये स्पेशल है आज के दिन। अदरवाइज मुझे मोस्टली अच्छा लगता है ट्रैवल करना, कहीं बाहर जाना और बहुत सारा खाना और घूमना, फोटोज खींच के इंस्टा पे डालना। सारा आपको बिग बॉस में या तो झलक में देख पाएंगे? हुआ खींचे ना यार। नहीं, तो नहीं। सारा मैम, स्पेशल बर्थडे शांतनु सर के अलावा पूरे दिन में कितने अच्छे विशेष मिले कुछ? तो मेरे इंस्टाग्राम की रिपोस्ट स्टोरीज पे आप देख सकते हैं, बहुत सारी विशेष थी और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मेरे पास इतने प्यारे प्यारे लोग हैं जिन्होंने मेरा बर्थडे इतना स्पेशल बनाया है, सो वहाँ जाके आप देख सकते हैं सभी। आज का स्पेशल बनाना चाहती हूँ बारिश बन के आना, उसको काफी ज्यादा प्यार मिला, चार गाने और आने वाले हैं आपके, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? जी, आई एम वेरी हैप्पी कि अभी चार गाने और आने वाले हैं, जो अभी अमोल चौहान का सॉन्ग आया था बारिश बन के आना, और आगे भी यही होप है कि अच्छे करे गाने, एक डांसिंग नंबर है, एक अगेन बारिश का ही नंबर है, और दो गाने जो है सब विदाई सॉन्ग, सो लेट्स सी लोगों को क्या सबसे ज्यादा पसंद। मैम आप क्या कहना चाहोगे? काफी ज्यादा अपकमिंग प्रोजेक्ट उन्होंने बता दिया, आपके कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट? आई वाज बिजी विद माय मैरिज, या शादी खत्म हो गई, हां यार अभी शादी हुई है, चल रहा है, आई हैव टू प्लान द दिल्ली रिसेप्शन बिकॉज़ संग्राम जी कुछ प्लानिंग करते नहीं है, पूरा बैक एंड मुझे करना पड़ता है, एंड देन अभी देयर वाज एन अहमदाबाद रिसेप्शन, तो अभी मेरा मुंबई का एक बार रिसेप्शन हो जाए, उसके बाद अगेन आई विल स्टार्ट, यस, उसके लिए तो आई हैव लाइक यू नो स्टार्टेड यू नो मेकिंग श्योर दैट आई कनेक्ट, एंड उसके बाद काम जरूर काम तो करना है, बिकॉज आई थिंक इट्स बेटर ऑफ टू बी एन एक्टर,
आई थिंक इट इज बेटर ऑफ टू बी एन एक्टर बिकॉज मेरी जो भी है उससे आई डोंट वांट टू बी इन ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ बिकॉज बहुत बैड एक्सपीरियंस क्या होता है इंसान को वही करना चाहिए यस दैट इज मोर इंपॉर्टेंट के साथ आप जस्टिस कर पाते हैं सो आई वुड लाइक टू बी व्हाट आई एम एंड यू आर एन अमेजिंग सारा जब भी चलते हैं फैंस को केक कट कर मारो।